वो लोग भी कह रहे थे कि माँ भी कह रही थी कोई भी नौकरी कर लो मतलब, लेकिन मैं सोचा था वो करूँगा मैं। जून 97 में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने मुझे परमिशन दिया, स्पेशल परमिशन दिया कि मैं 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लूँ। मैंने इसलिए ये मेंटल प्रेशर लिया, मैं मानता हूँ कि मैंने 8-9 महीने अगस्त 97 टू अप्रैल 98 मैंने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लिया। उसका प्रूफ भी है कि मैंने एक साल में मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ISC भी कर लिया और BSC भी कर लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप की गलती है कि बचपन में नाके पढ़ा दिया। मैं ही कहता हूँ ये गलत बात है। तो इस बच्चे पास इतने इनर्शिया एनर्जी है कि वो डायरेक्ट कुछ कर सकता है। मानसिकता हम लोग का उतना उदार है कि इस हार्ड टाइम को भी हम लोग इंजॉय करते हैं। अब जैसे एक ने कहा कि मैं कोई अब बंदर के सब बच्चे को नचा नचा करके उसका एडवर्टाइज करा रहे हैं। हमने जो ऐसा को कहा भी था कि सर आप लिफ्ट से आते हैं कि सीढ़ी से आते हैं, उनका लिफ्ट से आते हैं, बोले सर मेरे पास भी लिफ्ट है क्यों नहीं आप सीढ़ी से आते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया, 21 साल की उम्र में PhD कर ली और 22 साल की उम्र में IIT बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तथागत अवतार तुलसी जी की और ये तस्वीर भी उन्हीं की है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में तथागत अवतार तुलसी भी आपको दिख रहे होंगे, सुशील मोदी जी भी आपको दिख रहे होंगे और मुख्यमंत्री साहब भी इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे। आपको बता दें कि शख्स ने दो दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये शख्स अब 5 सालों से बेरोजगार है। देखिए, जिस शख्स के पीछे 5 साल की उम्र से कैमरा लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी, लोग लगे हुए थे, आज वही शख्स लोगों से मिलना नहीं चाहता है और अकेलेपन का शिकार है। तो आज हम बात कर रहे हैं तथागत अवतार तुलसी जी की और उनकी कहानी आप तक लाने की भी पूरी कोशिश रहेगी। ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, जाहिर सी बात है, मतलब आप इतने टैलेंटेड, फिर एक ये भी वक्त आया कि 5 साल से बेरोजगार, तो फैमिली पर क्या असर पड़ा? मतलब वो फैमिली जो कभी गर्व करती थी, आज उनका लाल 5 सालों से परेशान है, फैमिली पर क्या प्रभाव आया? क्या फैमिली वाले परेशान हैं? क्या फैमिली वाले आप पर प्रेशर डाल रहे हैं? पिताजी से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी ज़ुबानी जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली मेरे माता पिता, कोई भी माता पिता अगर उसके लड़के के साथ अगर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि एक बार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कुछ भी कर लो, नौकरी नहीं जाती। यहाँ पे भी नौकरी नहीं जाती, लेकिन वो मेरा स्वास्थ्य की वजह से नौकरी चली गई, तो ऑब्वियसली उन लोग तो परेशान होंगे ही। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैंने बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश, वो लोग भी कह रहे थे कि माँ भी कह रही थी कोई भी नौकरी कर लो मतलब, लेकिन मैं सोच रहा था वो करूँगा, मैं अल्टीमेटली करूँगा, लेकिन पहले मैं एक बार इसे बेस्ट ट्राई देना चाहता हूँ ताकि मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है उसे मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज चंद्रयान पर पूरे देश गर्व करता है, मेरा मानना है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो लोग मेरे प्रोजेक्ट पर भी गर्व करेंगे। देखिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो क्या कभी माता जी पिताजी ने डांट भी लगाई कि अरे कह रहे हैं ना कर लो कोई और जॉब, क्यों लगे हुए उसके पीछे? नहीं ऐसा, कभी ऐसे उब भी गए आपसे, कभी ऐसे झुंझला कर भी बोल दिया? हाँ, कभी कभी परेशानी में बोल दे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैसा कोई उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, वैसा कोई प्रेशर। अच्छा, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, देखिए जो समाज है हमारा, ये समाज की हकीकत है कि लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं तथागत, तो जब आपका जो करियर ग्राफ है अभी जब थोड़ा सा जो डाउनफॉल दिखा है, तो क्या लोगों ने तंज कसा है? क्या लोगों ने, मतलब जो लोग कभी आपके पीछे हुआ करते थे, आपसे बात करने के लिए तड़पते थे, आज वही लोग कहीं आपसे कन्नी तो नहीं कटा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में मेरे साथ रहे और वो लोग अभी मुझसे दूर हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग। मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अब जब मुझे उन लोगों की असलियत पता चल गई है तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नाम को उन लोगों के नाम से जोड़ूं। मतलब जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, जो एकदम दिल अजीज थे, आज वही लोग साथ में। जी हाँ जी हाँ, ऐसा होता है और होना भी चाहिए शायद, क्योंकि खैर कोई बात नहीं। तंज भी कसा गया आप पर? हाँ, तंज तो कसा ही गया है। क्या कहते थे लोग? बस यही कि बचपन में बड़ा आगे बन रहा था, ज़्यादा पढ़ लिया, देखो कैसे कैसे हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं बस यही कहता हूँ कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई जो भी किया, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ कि जून 97 में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने मुझे परमिशन दिया, स्पेशल परमिशन दिया कि मैं 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लूँ। ये बात मीडिया में खूब आई क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना।
तो अगस्त 97 में दूरदर्शन, जो कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल मीडिया चैनल है, दूरदर्शन ने हमारी आज़ादी के 50 साल को सेलिब्रेट करने के लिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा करके एक गीत प्रसारित किया था। आज़ादी का गोल्डन जुबली था, उसे सेलिब्रेट करने के लिए उस गीत में मुझे भी शामिल किया गया। सचिन तेंदुलकर जी के साथ और भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ, इसरो के चेयरमैन के साथ मुझे भी शामिल किया गया। मुझे एज ए बच्चा, मैं 9 साल का था, मुझे एज ए चाइल्ड मुझे यही लगा कि मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पूरे देश को नाज है और मुझे इसे बचाना चाहिए। ये बचाना चाहिए मैं इस सेंस में कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गलत है तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड चला जाता। तो मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बचाना चाहिए, इसके लिए मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरे पक्ष में फैसला दें। मैंने इसलिए ये मेंटल प्रेशर लिया। मैं मानता हूँ कि मैंने 8-9 महीने अगस्त 97 टू अप्रैल 98 मैंने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लिया। उसका प्रूफ भी है कि मैंने एक साल में मैंने पटना यूनिवर्सिटी से आईएससी भी कर लिया और बीएससी भी कर लिया। एक साल में आईएससी भी कर लिया और वो भी ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के स्पेशल परमिशन से। तो मैंने एक साल में मैंने 5 साल की पढ़ाई की। मैं मानता हूँ कि मैंने ज़्यादा प्रेशर लिया, लेकिन मैंने जो भी किया अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बचाने के लिए, इस विश्वास के साथ कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे देश की शान है। देखिए अभी भी आप बोल रहे हैं तो आप भावुक हो गए हैं। भावुक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आंसू भी आ गए हैं। हाँ, मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि नहीं, ये आंसू नहीं, शायद पसीने। हाँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा भावुक जरूर हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप की गलती है कि बचपन में इतना क्यों पढ़ा दिया। मैं ही कहता हूँ ये गलत बात है। मैंने जो किया है अपने देशभक्ति के लिए किया, अपने तिरंगे के शान के लिए किया है। अगर मुझे ये लगा कि अगर मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कैंसिल हो जाएगा तो इस गाने की शान पे दाग लगेगा, ये जो फ्लैग सॉन्ग है हमारा, जो झंडा गीत है। तो जब कोई फौजी शहीद होते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि उसके पापा की गलती थी कि फौज में क्यों भेज दिया, भरी जवानी में शहीद हो गया, वो आईएएस बनता तो ऐश करता है, वो ये नहीं कहते हैं। मेरे बारे में ये नहीं कहा जाना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे भी जब ऐसा कहते हैं इनफॉर्मली तो मुझे दुख होता है। आईआईटी बॉम्बे को मेरी देशभक्ति का ध्यान रखना चाहिए और स्पेशल केस में मुझे जो मैं मांग रहा हूँ वर्चुअल ट्रांसफर, वो मुझे काइंडली देना चाहिए। पिताजी भी सुन रहे हैं, हम आपके पास आएंगे सर, थोड़ा आपसे बात करेंगे। अच्छा, लेकिन सर ये समझ में नहीं आता है, जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि कई तरह के लोग हैं, बहुत सारी जुबाने हैं और बहुत तरह की बातें होती हैं। आप लोगों पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहा जाता है कि अरे बचपन में इतना क्यों पढ़ा दिया, इतना क्यों बच्चे पर प्रेशर डाल दिया कि आज ये हो गया। तो क्या तकलीफ होती है, क्या कहना चाहें, क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा तो साइकिल 1994 से जब शुरुआत हुआ था उसमें बहुत बच्चे थे, ये उसमें भी बहुत सी बातें हम पट्टी का टिप्पणी होती थी, उस वक्त भी होती थी मेरे ऊपर। अच्छा, ये तो बच्चे थे जी। अब जैसे एक ने कहा कि मैं कोई अब बंदर के सब बच्चे को नचा नचा करके उसका एडवर्टाइज करा रहे हैं, बंदर की तरह बच्चे को नचा कर एडवर्टाइज करा रहे हैं, उसको पढ़ने दीजिए। अच्छा। नेचुरल वे में पढ़ने दीजिए। खुद हमको नाम ले रहा, एक जज साहब ने ही कहा था कि नेचुरल लॉ है सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। तो उसको चौथा में है तो पाँचवा मान दीजिए, छठा मान दीजिए। आप क्यों डायरेक्ट CBSE मिला रहे हैं, मतलब मैट्रिक मिला रहे हैं? तो उन्होंने डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन किया कि ये आप चूँकि लीगल गार्जियन है, क्यों बच्चे को इतना टॉर्चर करना है कि वो CBSE का कोर्स करे? CBSE का कोर्स यदि पूरी किताब उसके पीठ पर ला दी जाएगी तो झुक जाएगा जी। इतनी मतलब लोगों ने खूब मना किया, खूब मना किया, डिस्करेज भी किया लोगों ने, डिस्करेज भी किया, मगर फिर भी एक मेरिट होता है और जो आदमी मेरिट होता है वो अकेला मेरिट धारण करता है तो उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाती है। मैं जान रहा था इसका मेरिट क्या है, कहाँ तक ये आगे जा सकता है, और उस मेरिट के साथ कंप्रोमाइज करना एक तरह से विश्वासघात करना होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपकी स्पीड चलने में तेज है तो आप स्लो आदमी के साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आप थक जाएंगे। इसलिए जो इसका स्पीड है उसी स्पीड में चलना चाहिए। हमने जैसा आपको कहा भी था कि सर आप लिफ्ट से आते हैं कि सीढ़ी से आते हैं, उनका लिफ्ट से आते हैं, बोले सर मेरे पास भी लिफ्ट है जी। क्यों नहीं आप सीढ़ी से आते हैं? कैलरी पावर जो चढ़ने में लगेगा वो उसको आप एग्जॉस्ट नहीं करते हैं, लिफ्ट से आप आराम से आ गए। तो इस बच्चे पास इतनी एनर्जी है कि वो डायरेक्ट कुछ कर सकता है, और वो भी मैं कोई लाइसेंस नहीं मांग रहा हूँ कि हाँ इससे हमको गैस का लाइसेंस मिल जाए, पैसा मिलेगा। हम तो रिटर्न जब लिखेगा तब ना नंबर आएगा, अब तब रिजल्ट मांग रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं कि आप CBSE का सर्टिफिकेट दे दीजिए। बिल्कुल, तो ये हमारी स्ट्रगल का पॉइंट था। मतलब तब से आप सुन रहे हैं, तब से लोग आदत हो जाती है, उसमें अच्छाई भी आता है बुराई भी दोनों चीज आता है। हाँ। अच्छा भी लगता है, जैसे आप कोई नादान आदमी कोई बच्चा चिल्ला रहा है। लेकिन ये 5 साल कैसे गुजरा सर? 5 साल तो बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें बोली, सब क्या बहुत हार्ड टाइम रहा ये? कोई हार्ड टाइम मन
हार्ट है मानसिकता पर होती है जी। मानसिकता हम लोग का उतना उदार है कि इस हार्ड टाइम को भी हम लोग एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं।